धैर्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए सबसे बुरे और तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ता है। धैर्य ही आपका सबसे बड़ा साथी और सफलता का सूचक है। जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, व्यक्ति के जीवन में अगर बहुत सारी कठिनाइयां या प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो धैर्य के साथ आगे बढ़े तो वो प्रॉब्लम्स और जो कठिनाई है दोस्तों खत्म हो सकती है, ठीक है, वो खत्म हो भी जाती है। तो धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा जो मैं कह सकता दोस्तों वर्ड है, या फिर इम्प्लीमेंट करें तो सबसे अच्छा रहे, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिलेक्ट पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आज हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारे पास चैप्टर आ रहा है सामने डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन की परिभाषा, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उनके कंसेप्ट है, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सारणिक डिटरमिनेशन। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था दोस्तों प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से अगर किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स रहती दोस्तों, ठीक है, या दिक्कत पर वैसे, या फिर जो भी मैंने चैप्टर करवाया तो वहाँ पे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके उसको सॉल्व करके बताएं, तो मैं उसको बोर्ड के ऊपर यानी कि जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। या फिर अगर आप पर्सनली जाते हो सर पे करो, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे साथ जूम मीटिंग के साथ मिल सकते हो, ठीक है, आपको मैं आईडी एंड पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। एंड अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर्स भी है, व्हाट्सएप का मेरा जो ग्रुप वगैरह है, या फिर मैं कह सकता हूँ टेलीग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं सीधे गेट में से टेलीग्राम है, इसका भी लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं सारणिक और डिटरमिनेशन क्या रहता है। देखो यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास सारणिक, ठीक है, डिटरमिनेशन। देखो क्या होती है सारणिक, यहाँ पे सबसे पहले इसकी परिभाषा बता, ठीक है, संज्ञा का, यानी कि यहाँ पे जो संज्ञा रहती है दोस्तों संज्ञा, या फिर मैं कह सकता हूँ फलों का वर्गाकार व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संज्ञा, संज्ञा, ठीक है, या फलन, फलन, या अवयव, ठीक, अवयव की एक वर्गाकार व्यवस्था, ठीक है। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेशन इज दैट, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर जरूरी नहीं हो कि यहाँ पे वो वर्गाकार, ठीक है, यानी कि संज्ञा या फलनों की एक वर्गाकार व्यवस्था हो ऐसा जरूरी नहीं है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। वहां पे आयताकार भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितनी पंक्ति रहेगी, यानी कि डिटर्मिनेशन या सारणिक का जितनी पंक्ति रहेगी उतने बोलते स्तंभ भी रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इनको दूसरे तरीके से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ a1 b2 माइनस a2 b1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि a1 b2 a2 माइनस b1, यानी कि यहाँ पे मैंने जो दिया है उसको मैं जैसे सारणी के रूप लिख रहा हूँ a1 a2, ठीक है, यानी यहाँ पे ये पंक्ति हो गई और यहाँ पे b1 b2, ठीक, इस प्रकार से भी इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से लाइनिंग रहती है, ठीक है, या फिर ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं पंक्ति, ठीक है, जिसको हम R1 से डिनोट करेंगे, R1 R2, ठीक है, रो 1 रो 2, इसमें हम यहाँ पे क्या कहेंगे कॉलम C1 और C2, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं a1 a2 b1 b2, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको सेट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे पास ये R1 ये R2, ठीक है, और ये C1 और C2 रहता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहती है, यानी यहाँ पे मैं कह
पंक्तियों की संज्ञा, स्तंभों की संज्ञा एंड, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, पंक्तियों की संज्ञा बराबर स्तंभों की संज्ञा, और मैं क्या दोस्तों एन, ठीक है, ये बराबर होती है, ठीक है, एन यहाँ पे मैं एन ले, ठीक है, यानी अगर मान लो कि चार पंक्ति और चार स्तंभ है, पांच पंक्ति और पांच स्तंभ है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर दोस्तों दो पंक्ति और दो स्तंभ, ठीक है, या तीन पंक्ति तीन स्तंभ तक ही है, ठीक है, चार या पांच ऐसा कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर पंक्तियों की संज्ञा स्तंभों की संज्ञा एन का मान या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों की का जो सारणिक होता है वो एन कोटिकल सारणिक कहलाता है, ठीक है, का सारणिक एन कोटिका सारणिक कहलाता है, ठीक है, एन कोटिका सारणिक कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों जो दो कोटि जिसमें हमारे पास पंक्तियों की संज्ञा और स्तंभों की संज्ञा समान रहे, उसके लिए हम मान निकालने की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको एक बार बता रहे बिना विलंब के, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, ठीक है। इसको हटा रहा दोस्तों, और एक बार जल्दी से देखने को शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि काफी जने यहाँ पे आए हुए नहीं है, तो उनको बोले कि जल्दी से क्लास को अटेंड कर ले दोस्तों, ठीक है, क्लास को अटेंड करना जरूरी है बिकॉज ऑफ सेकेंड ग्रेड की जो क्लासेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, ठीक है, वैसे बहुत जगह मिलती है आपको, ठीक है, लेकिन अगर आपसे सीधे अकेडमी से ही पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी पढ़वाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, मेरा तो ये कहना दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करोगे तो आप भी प्रॉफिट में रहोगे, मैं भी प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है, तो देखते हैं अभी दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं हमें कि दो कोटि के सारणिक का मान, यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास दो कोटि के सारणिक का मान, ठीक है, तो यहां पे मैं इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, देखो यहां पे मैं इस प्रकार से क्वेश्चन लिया, इसका मान क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो मैं कह सकता हूँ दोस्तों डायगोनल या फिर मैं कह सकता हूँ ये वाला विकर्ण, ठीक है, ये वाला हमारे पास अग्र विकर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अग्र विकर्ण, ठीक है, इनको आपस में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, आपस में गुणा, 3 × 5 ये गुणा करेंगे, फिर बाद ये वाला जो विकर्ण बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये वाला विकर्ण, ठीक है, यानी इस विकर्ण को भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बट इससे पहले क्या करेंगे, माइनस करके गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस का 4 × 5, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 15 माइनस माइनस प्लस और 20, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बात करता हूँ, दोस्तों इस प्रकार से मैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ले रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों
देखो इस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल लिखी, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, इस जो ये हमारे पास जो विकर्ण बन रहा है अग्रक विकर्ण, उसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 60, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू माइनस का 6, या फिर बाद में माइनस माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 इंटू 5, ठीक। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 60 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 20, तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों माइनस का 40 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आगे वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि इस प्रकार यदि 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 इस प्रकार से मैं सारणी ले रहा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि माइनस का 4 और 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 बराबर 7 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, हो तो के का मान, ठीक है। इसका मान हमें निकालना, के का मान निकालना, इस प्रकार से हमारे पास सारणी दे देगी, ठीक है। इसमें हमें इसका मान निकालना, देखो यहाँ पे किस प्रकार से निकाल सकते हैं इसका मान। देखो दोस्तों कि इसका हमें अगेन क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, के और माइनस का 4 और 5 और 6 दे रखा है और इज इक्वल टू 7 दे रखा है। इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं अगेन, यहाँ पर अग्रक विकर्ण को आपस में मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे 6 के, ठीक है, या 6 के और इसको इसके साथ मल्टीपल करते 5 20 माइनस लगाएंगे यहाँ पे माइनस का चार एंड यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 6 के माइनस का माइनस माइनस प्लस 20 बराबर 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के बराबर माइनस का 13, तो के बराबर यहाँ पे कितना जाएगा तो माइनस का 13 बटा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास के का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको कोटि यानी कि कोटि दो कोटि के तो सारणी के दोस्तों इसके मान निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे अगर 3 कोटि की सारणी दे उसका मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं उनके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। एक बार बोता है बिना विलंब की और फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे। अगर 43 दे रखी है, ठीक है, 3 कोटि की सारणी दे रखी है, तो अब यहाँ पे किस प्रकार से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करना दोस्तों आगे आगे नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे तीन कोटि की सारणी, ठीक है, 3 कोटि की सारणी, और यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूं 3 कोटि की सारणी का मान कितने तरीकों से निकाल सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो, और एग्जांपल में बात करता हूं दोस्तों इस प्रकार से, हमारे पास 3 कोटि की सारणी लेनी मुझे, 2 3 4 5 6 7 1 और -2 -5, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ले लिया इसका, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने कितने 3 कोटि की सारणी जिसमें यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है दोस्तों, समान, इसका मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे इनका जो मान है निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पे पहली पंक्ति पंक्ति के हिसाब से निकाल सकते हैं या स्तंभ के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं पहली पंक्ति लूँ, ठीक है, दूसरी पंक्ति के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ, तीसरी पंक्ति के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ, या पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरा स्तंभ, मतलब यहाँ पे टोटल तरीके के तो गए दोस्तों, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह तरीके हो गए, ठीक है दोस्तों, छह तरीकों से कैसे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो सारणी का जो साइन होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। या अगर मैं यहाँ पे जनरल जो हमारे पास जो फॉर्म होता है दोस्तों, उसको मैं लिख देता हूँ जो सारणी का जो चिन्हों के बारे में, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास ये वाला प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यानी इस प्रकार से हम चिन्ह का यूज करेंगे, ठीक है। अगर पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करूँ तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। अगर पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग बात करूँ दोस्तों, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर दूसरी पंक्ति के अनुसार बात करूँ तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास ये प्लस है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे अगर तीसरे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तीसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग तो प्लस माइनस प्लस। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों द्वितीय स्तंभ के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, माइनस प्लस माइनस, और तीसरे स्तंभ के अनुसार बात करूँ तो प्लस माइनस प्लस। ये इस प्रकार से हमारे पास प्लस माइनस का सेट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका मान निकाल रहा हूँ, ठीक है, और मान निकालने का जो तरीका दोस्तों, यहाँ प्लस माइनस में मैंने लिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसको किस प्रकार से निकालें, मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों पहली पंक्ति के अनुसार, ठीक है, पंक्ति के अनुसार इसका क्या निकालो दोस्तों, मान निकाल रहा हूँ। पंक्ति के हिसाब से निकाल सकते हैं या फिर स्तंभ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, पंक्ति कोई भी ले सकते हैं, तीन में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साइन है दोस्तों, इनका आप ध्यान रखना है। पहले स्तंभ ले रहे हैं, पहले पंक्ति ले रहे थे प्लस माइनस प्लस, दूसरी ले रहे थे माइनस प्लस माइनस, और फिर तीसरे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर पहला स्तंभ ले रहे हैं प्लस माइनस प्लस, और दूसरा ले रहे थे माइनस प्लस माइनस, और तीसरा ले रहे थे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। आप देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं पहली पंक्ति के अनुसार, यानी पहली पंक्ति में अब तीन दो दो तीन चार दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं पहला पहली पंक्ति में पहली पंक्ति के अनुसार मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे पहला जो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ना है, पहला पंक्ति पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया दो, ठीक है, ये वाला दो लिखा, ठीक है। और फिर बाद में पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दोनों को छोड़ना है, और यहाँ पे हमें क्या बना देना है, इस प्रकार से जो वैल्यूज है छः सात माइनस दो माइनस पाँच, छः सात माइनस दो माइनस का पाँच, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा पंक्ति के अनुसार सॉल्व करते, यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे लिया मैंने माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया मैंने माइनस लिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों तीन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तीन, ये लिख दिया मैंने तीन। और फिर बाद में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि पहला जो दूसरी दूसरा स्तंभ और पहली जो लाइन है पहली पंक्ति उसको हम छोड़ दें, बाकी वाले जो बच्चे उसको लिख रहे हैं पांच सात एक माइनस पांच, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने पांच सात एक माइनस का पांच, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अबकी बार क्या है हमारे पास प्लस, यहाँ पे लगा दिया प्लस, और यहाँ पे ले रहा मैं चार, एंड यहाँ पे मैं किसको छोड़ रहा हूँ दोस्तों, तीसरी स्तंभ को और पहली पंक्ति को, देखिए पांच छह एक माइनस दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों कि पांच छ एक माइनस का दो, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कि अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे दो का तो दो लिखा, अब ये हमारे पास द्वितीय कोटि की सारणी बन गई, ठीक है, द्वितीय कोटि की सारणी। द्वितीय कोटि की सारणी को अभी मैंने सोल्व करना बताया था दोस्तों, यहाँ पे छह को माइनस पांच से गुणा किया तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पांच तीस माइनस का तीस रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा माइनस का तीस रहेगा। फिर अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा और माइनस का दो एंड यहाँ पे सात, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। यहाँ पे माइनस का तीन का माइनस का तीन माइनस का पच्चीस, एंड फिर बाद में यहाँ पे माइनस का पच्चीस, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास थोड़ा सा यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाता है, ठीक है, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट लगाता है क्योंकि हमारे इस प्रकार से हमारे पास है, क्योंकि दो से पूरा बार है, तीन भी पूरा बार है, माइनस का पच्चीस, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का पच्चीस एंड माइनस का सात, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों प्लस चार एंड यहाँ पे माइनस का दस एंड माइनस का छ, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे दो माइनस का तीस माइनस माइनस प्लस चौदह, तो यहाँ पे माइनस का तीस माइनस प्लस
माइनस प्लस यानी 14 हो गया दोस्तों यहाँ पे, तो हमारे पास ये कितना बच रहा, देखो 16 बच रहा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 16 बच रहा, ठीक है। फिर बाद अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद माइनस का 3 का, तो माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास माइनस का हो जाएगा 32, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का 32, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस का 16, तो यहाँ पे 4 और माइनस का 16, ठीक है, इस प्रकार से माइनस को लिख दे। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस का 16 32, यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 6 और ये 9, और फिर बाद में यहाँ पे 64 माइनस का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से रहने वाला देखो, प्लस 96 और यहाँ पे 6 देखो 6 और यहाँ पे 9, ठीक है, ये 9 इस प्रकार से हमारे पास ये देखो, यहाँ पे 2 4 6 और 3 और 6 9, इसका आंसर क्या आ रहा दोस्तों, हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस प्रकार से हमारे पास सारे का मान रहने वाला है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं दोस्तों यहाँ पे मैं पहले स्तंभ के अनुसार सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, पहले स्तंभ के अनुसार सॉल्व करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है, और पहले स्तंभ के अनुसार सॉल्व करूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले स्तंभ के अनुसार, ठीक है, स्तंभ के अनुसार, ठीक है, पहले स्तंभ के अनुसार इसको सॉल्व कर रहा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है कि यहाँ पे पहले स्तंभ यानी कि इसको हमें ले रहा है, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 2 और यहाँ पे 6 7 माइनस 2 माइनस का 5, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे माइनस कर, यहाँ पे तो पहले स्तंभ ले रहा था प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस, एंड यहाँ पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ यानी द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छोड़ रहा हूँ, 3 4 माइनस 2 माइनस 5, 3 4 माइनस 2 माइनस का 5, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्लस 1 और यहाँ पे पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 3 4 6 7, 3 4 6 7, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 6 30, माइनस का 30 माइनस का 30, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 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 प्लस होके यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये 5 माइनस का 15 और यहाँ पे माइनस माइनस, देखो ये माइनस को माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस के माइनस 20 में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके आगे 7 3 21 माइनस यहाँ पे 6 4 24, इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते थे दोस्तों, यहाँ पे इसके नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है कि माइनस सॉरी यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस का, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 और मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास माइनस का 7 एंड फिर बाद यहाँ पे माइनस का कितना रहेगा दोस्तों, ये माइनस का 3 रहेगा, ठीक है, माइनस का 3, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, 16 2 32 माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 35 हो जाएगा, प्लस का 35 और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 दे रखा है, तो माइनस 32 माइनस 35 प्लस का 35 माइनस 35 देट, यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से एक हमारे पास तरीका होता है दोस्तों, सीधा तरीका होता है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी हमारे पास जगह है और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे हिंदी में तो यहाँ लिख रहा हूँ सीधा तरीका, ठीक है, और सीधा तरीका किस प्रकार से होता है देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए यानी कि अगर हम पंक्ति स्तंभ को ले गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये हमारे पास सालिक दे रही 3 कोटि की, ठीक है, इसके अंदर जो प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ है उसको हम रिपीट कर ले इसके आगे, यहाँ पे उसके आगे हम क्या कर ले दोस्तों, रिपीट कर ले, ठीक है, और फिर बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास 2 तो यहाँ पे 2 3 4 एंड फिर बाद 5 6 7 और 1 माइनस 2 माइनस का 5, ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रही है, हमारे पास किस प्रकार से ये सारणिक दे रही है, ठीक है, और इसमें प्रथम पंक्ति और नहीं प्रथम स्तंभ और फिर बाद में प्रथम स्तंभ
और द्वितीय स्तंभ को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, रिपीट कर देता हूँ। इस प्रकार से मैं इसको कर रहा, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पे जो विकर्ण बन रहे हमारे पास, विकर्ण का ऊपर वाला पार्ट लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे विकर्ण पहला बन रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये विकर्ण है, यहाँ पे दो को माइनस छह के, दो को छह के साथ गुणा करूंगा, फिर माइनस पांच के साथ गुणा करूंगा, ठीक है, और फिर आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे रखें, तो यहाँ दो को छह के साथ बारह, और बारह को यहाँ पे माइनस के पांच के साथ माइनस का साठ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का साठ, ठीक है दोस्तों। फिर बाद अब आगे करना, आगे किस साइड में बढ़ना है हमें, आगे इस साइड ऊपर की साइड में बढ़ना है, ठीक है, ऊपर की साइड में, मतलब यहाँ नीचे ऊपर की साइड में, ठीक है। यानी तीन को यहाँ पे मैं सात के साथ गुणा करूंगा, और सात को मैं एक के साथ गुणा करूंगा, सात इक्कीस, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस का, और एक के साथ गुणा करूं तो एक प्लस का इक्कीस, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, इसमें चार को पांच के साथ बीस, और फिर बाद में यहाँ पे माइनस का चालीस, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद बीच में लगाऊंगा माइनस का साइन, ठीक है, इसके बाद बीच में लगाऊंगा यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने माइनस का साइन ही। एंड फिर बाद अगेन यहाँ पे इस सिस्टम से, यानी यहाँ से लेना है, ठीक है, यानी कि तीन को पांच के साथ गुणा करना है, और फिर बाद यहाँ पे पांच को पांच, यानी पांच पंद्रह पंद्रह टू माइनस का पांच, ठीक है, माइनस का पांच, यानी यहाँ पे माइनस का पिछहत्तर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का पिछहत्तर, ठीक है। फिर बाद वापस अगेन ऊपर की तरफ भी बढ़ना, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है। दो को यहाँ पे मैं सात के साथ गुणा करूंगा, ठीक है, सात को यहाँ पे माइनस दो के साथ, दो को यहाँ पे सात सात चौदह, और चौदह को माइनस दो से गुणा करूंगा, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, माइनस का अट्ठाईस हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे अट्ठाईस लिखा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, चार को यहाँ पे छह के साथ गुणा करूंगा, छह को यहाँ पे एक के साथ गुणा करूंगा, छह चौ चौबीस, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस का चौबीस, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ही है। अब देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे माइनस का सौ और प्लस का इक्कीस, माइनस का सौ प्लस का इक्कीस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि माइनस का 79, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 79, ठीक है, ये बार माइनस है, ये माइनस, ठीक है, माइनस का यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 103, माइनस का 103 और प्लस का 28, प्लस का 24, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसमें से निकल, तेरह में से हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, आगे हमारे पास आई थिंक आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना दोस्तों, ठीक है, ये माइनस का 79 जब माइनस का 79 लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा देखो दोस्तों कि तेरह में से यहाँ पे चार जाएगा, तेरह में से चार जाएगा, यहाँ पे प्लस का नौ बचेगा, नहीं यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का नौ, और फिर बाद में यहाँ पे नौ में से दो जाएगा तो सात, तो 79 प्लस का और ये माइनस का, ये भी कैंसिल आउट लेके आ जाएगा दोस्तों, इसका भी आंसर जीरो हो जाएगा, ये भी तरीका होता है बार बार, ठीक है, एक बार देखना तो आपको नीचे दिख रहा है यह नहीं दिख रहा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 79 वाला नहीं दिख रहा है ना, ये जीरो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी जीरो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते इसका आंसर हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है, यानी कोई भी तरीका अपना चाहिए, पहले प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ या द्वितीय पंक्ति तृतीय पंक्ति या द्वितीय स्तंभ तृतीय स्तंभ या फिर कह सकते हैं हमारे पास सीधा तरीका था दोस्तों, इसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि किस प्रकार से हमने इसको किया और आपको करने के साथ साथ में कोशिश भी करनी है, ठीक है दोस्तों, तो एक बार उतारे इसको बिना विलंब किए नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम। अब इसको मैं यहाँ सटा रहा हूँ, ठीक है, अब पहले बिना विलंब किए हुए जल्दी से बहुत ही सरल चैप्टर है दोस्तों, ये हार्ड नहीं है, ठीक है, आप आसानी से ऐसे चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों इस चैप्टर से भी, दो तीन तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तीन चार में से बड़ी यूनिट रहती है जो हमारे पास मैट्रिक्स की और ये डिटरमिनेशन की, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, हर बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी वजह से पूछा गया, और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए उन सब की हम बातें करेंगे, कैसे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन में साथ साथ में सॉल्व करवाता जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको करना है दोस्तों, तो नेक्स्ट
हमारे पास एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारणी का मान निकालना है, ठीक है, आपको भी निकालना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं इस प्रकार से हमारे पास एक सारणी ले रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2, 1, 5, 2, -1, -2 और यहाँ पे -3, फिर बाद में अगेन माइनस का यहाँ पे, या फिर प्लस का 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे 6 ले लेता, ठीक है। इसका मान हमें का मान कितना है, ठीक है, इसको करें दोस्तों एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है, और मैं भी कर लेता हूँ सीधे तरीके से करा, ठीक है दोस्तों। अभी जो मैंने लास्ट में सीधा तरीका बताया था उसकी उस तरीके से करा, ठीक है। वैसे हम जनरली अगर बात करें तो किताबों में भी लिखा जाता है, ठीक है, प्रथम पंक्ति के हिसाब से कीजिए, ठीक है, यानी सुविधा के अनुसार प्रथम पंक्ति के हिसाब से कीजिए, ठीक है। ये हम बाकी वाले तरीके नहीं अपनाते, जनरली हम जो बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारी हैबिट रहती है, ठीक है, हमारे पास एक माइंड सेट रहता है, ठीक है, कि उसके अनुसार ही हमें सॉल्व करना है, और बुक के अंदर भी कहना है कि प्रथम पंक्ति के अनुसार ही सॉल्व करें, प्रथम पंक्ति के या फिर मैं कह स्तंभ के हिसाब से सॉल्व करें, ठीक है। बाकी वाले तरीके सॉल्व होते हैं दोस्तों, तो आप जो अपना अच्छा तरीका लगे उसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि एक बार तो पूरा मैट्रिक्स लिखे, नहीं ये जो हमारे पास सारणी के डिटरमिनेशन 2, 1, 5, ठीक है, और 3, -1, -2, -3, 4 और 6। अब प्रथम स्तंभ को यहाँ पे इसके पास लिखे 2, 3, -3, 1, -1 और 4, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था जो हमारे पास अग्रक विकर्ण है उसको हम यहाँ से सॉल्व करना, 2 को -1 के साथ गुणा फिर 6 के साथ गुणा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, -2 और -12, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -12, फिर बाद में अगेन यहाँ पे 1 को यहाँ पे -2 के साथ गुणा करना है, और -2 और -2 को -3 के साथ -6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया +6, फिर बाद में अगेन मैं बात करूँ दोस्तों 5 को 3 के साथ 15 और 15 को 4 के साथ यहाँ पे 20, ठीक है, नहीं 15 को 4 के साथ यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इस प्रकार से करने के बाद, ठीक है, अगेन यहाँ पे माइनस का साइन, फिर बाद इस जो हमारे पास ये विकर्ण बन रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 1 को यहाँ पे मुझे किससे गुणा करना है, 3 के साथ, और 3 को यहाँ पे 6 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 को 3, 3 और 3 को 6, 18, ठीक है, यहाँ पर +18, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों ऊपर की तरफ जाने की चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखना, 2 को गुणा करना है यहाँ पे -2 के साथ, और -2 को यहाँ पे गुणा करना है हमें 4 के साथ, तो -4 और -16 दोस्तों, -16 हो जाएगा। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 5 को मुझे गुणा करना है यहाँ पे -1 के साथ, -1 को यहाँ पे 3 के साथ, -5 और -5 और यहाँ पे +15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना देखो +15 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो दोस्तों यहाँ पे -6 54 18 18 प्लस या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 प्लस 15 17, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं कैसे तो 54 में से 17 निकालना है, तो यहाँ 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3, ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पे 37 ही आ रहा है आंसर, अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है वैसे गलती हुई है, हो सकता है आपसे गलती हुई, तो देख लेना, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे, हम और भी कुछ नई बातें रहेंगी उसके बारे में, और यहाँ पर अब की बार माइनस एंड कोफैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होता है दोस्तों उसकी हम बात करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक बार उतारे इसको।
नेक्स्ट अगेन बात कर लेते दोस्तों यहाँ पे उपसारणिक और सखंडक की, तो किस प्रकार से रहेगा देखो। उपसारणिक माइनस, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं सखंडस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं यहां पे कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर। अब यहां पे देखो जनरली यहां पे माइनस को एम एम आई जे से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और यहां पे सखंडस को यहां पे सी आई जे ए आई जे और एफ आई जे, ठीक है, एफ आई जे काफी बुक यहां पे मैं जनरली बात करूं दोस्तों एस ए आर टी के अंदर ए आई जे का उपयोग किया हुआ, ठीक है, या फिर सी आई जी का भी कुछ अलग अलग बुक्स रहती है जिसमें एफ आई जी का भी यूज रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यानी हम यहाँ पे ए आई जी का यूज करेंगे, सी आई जी का एफ आई जी का करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आई है वो क्या है, ठीक है दोस्तों, आई हमें यहाँ पे जस्ट लाइक आई जी यहाँ पे किसी भी आगे भी किसी भी संज्ञा सारणी के अंदर उसका एड्रेस को डिनोट करता है, एड्रेस का मतलब यहाँ पे ये पंक्ति को डिनोट करता है, आई किसको करता है पंक्ति को डिनोट करता है, ठीक है, और जे किसको डिनोट करता है स्तंभ को, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे रिलेशन की बात करना चाहूँ यहाँ पे सखंडस और उपसारणी के अंदर, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि सी आई जे हम निकालेंगे माइनस वन की होल पावर आई प्लस जे, ठीक है, आई प्लस जे, एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों इसके बाद यहाँ पे या फिर मैं इसको ऐसा करते थे एम आई जे, ठीक, इस प्रकार से मान पाते इनके बीच का रिलेशन होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसका यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो यहाँ इस प्रकार से एक उपसारणिक या फिर मैं कह सकता हूँ या फिर एक सारणिक लिख दिया, ठीक है दोस्तों, एक माइनस दो और तीन, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे हमारे पास एक अलग अलग ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको माइनस का तीन, ये चार, ये हमारे पास पांच, और यहाँ पे हमारे पास ये छः, यहाँ पे मैं ले लिया तीन, यहाँ पे ले लिया मैंने सात, और यहाँ पे ले लिया आठ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे छः की जगह मैं नौ ले लेता हूँ, ठीक है, अलग अलग संख्या ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये इस प्रकार से हमारे पास सारणिक दे रखी है, और सारणिक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नौका उपसारणिक निकालिए, नौका उपसारणिक क्या रहेगा, ठीक है, नौका उपसारणिक क्या रहेगा वाला, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नौ कहाँ है, नौ यहाँ पे हमारे पास नौ को, या नौ को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने संज्ञा लिखी, एक तो डायरेक्ट संज्ञा लिखी है मैंने, एक तो डायरेक्ट मैंने संज्ञा लिखी, या फिर इस नो को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस नो को मैं एम आई जे के रूप में डिनोट करना चाहूँ तो किस प्रकार से यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो इसके अंदर अभी भी रहता है, ठीक है, इसको हम ए वन वन, ठीक है, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ए वन वन, ठीक है, यहाँ पे इसके पैरेलल में लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम अभी भी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, फिर बाद में ए थ्री वन, ए थ्री टू, और ए थ्री थ्री, इस प्रकार से हमारे पास, दैट मींस यहाँ पे मैं इसके पैरेलल में कह सकता हूँ दोस्तों ए थ्री टू का सारणिक, ठीक है, यहाँ पे नौ का नहीं है कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में ए टू थ्री का सारणिक, ठीक है, या नौ का सारणिक क्या रहेगा, ठीक है, उपसारणिक क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रहेगी दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से रहेगी, देखो दोस्तों टू थ्री का मतलब क्या है, टू थ्री का मतलब यहाँ पे दो का, ये जो दो है इस, ये दो यहाँ पे पंक्ति को डिनोट करते हैं, तीसरा स्तंभ को डिनोट करता है, मतलब यहाँ पे इसका एड्रेस है
8, 2, 3 का मतलब ये 9, यानी कि 9 का जो एड्रेस है वो ये है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मेरे पास है। अब यहाँ पर मैं कह देता हूँ देखो, यहाँ पर अगेन वही वाली बात रहेगी दोस्तों कि ये वाला स्तंभ छूटेगा, ये वाली पंक्ति छूटेगी, तो बच रहा है बाकी वाला 2, 1 एंड 3 2, 1 और फिर बाद में हमारे पास 3, 7। ठीक है, 3, 7, 7, 21 -3 यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 8, 2, 3 या 9 का सहखंडज ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, सहखंडज ज्ञात करना, इसी में मुझे क्या ज्ञात करना दोस्तों, सहखंडज ज्ञात करना, मतलब यहाँ पे मैं बात कर ले दोस्तों आगे यहाँ पे मैं बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे देखते, ठीक है देखो 9 या 8, 2, 3 या 9 का सहखंडज ज्ञात कीजिए, और सहखंडज के बारे में मैंने बताया था, सहखंडज सहखंडज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये है, और यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों इसको कैसे निकालते, यहाँ पे सी आई जे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे सी आई जे इज इक्वल टू -1 की ऊपर आई प्लस जे, एंड यहाँ पे एम आई जे, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सी आई जे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सी 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 आई जे का सहखंडज ज्ञात करना, यहाँ पे आई का मतलब 2, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और यहाँ पे -1 की होल पावर आई प्लस जे यानी 2 प्लस 3। ठीक है, बाकी वाला यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास यहाँ पे वही है दोस्तों, इस तीसरे स्तंभ को छोड़ना, दूसरी पंक्ति को छोड़ना, तो 2, 1, 2, 1 और 3, 7, और अभी हमने इसको सॉल्व किया था C2, 3 -2 प्लस 3 कितना है +5 तो यहाँ पर अगेन वो सी आई जे और एम आई जे इक्वल रहेगा, अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ पे ये क्या जाएगा दोस्तों, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, इतना ही अंतर और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्ती, और आप उसको करके बताओ। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट हम आगे अगेन बात करते हैं। तब यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों एक बार, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसको लेते हैं, फिर बाद में हम आगे नेक्स्ट कुछ और नई बातें करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 3, 2, 1 -3 माइनस का यहाँ पे 5 माइनस का यहाँ प्लस का यहाँ पे ले लिया मैंने 5। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे ले लिया मैंने 4, 1, 6। ठीक है, ये माइनस का 1 ले लिया। अब यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन है, और यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 5 का उपसारणिक क्या रहेगा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, फिर बाद यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 4 का उपसारणिक क्या रहेगा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि नंबर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, एंड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस या फिर मैं कह सकता हूँ 3, 2 का उपसारणिक
उपसारणिक क्या रहेगा, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं और भी क्वेश्चन है दोस्तों, उनको भी मैं ले लेता हूँ। देखो ए टू टू का उपसारणिक क्या रहेगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ठीक है। फिफ्थ है यहाँ पे हमारे पास, मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास एम, देखो एम एम वन टू का उपसारणिक, ठीक है, सारणिक। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं सिक्स क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, और सिक्स क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एम थ्री, यहाँ पे ये ए ले लेता, ठीक है, ए थ्री थ्री का, ठीक है, ए थ्री थ्री का सखंडस, ठीक है, सखंडस, ठीक है। यहाँ पे मैं सखंडस लिख देता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी सखंडस लिख देता हूँ, सखंडस, क्योंकि थोड़े से इक्वल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने छह क्वेश्चन दिए जिसमें दो सखंडस के हैं, ठीक है, और बाकी वाले दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उपसारणिक है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, पांच का उपसारणिक, पांच का मतलब ये रहा, पांच हमारे पास, पांच का उपसारणिक मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपने किस किस को छोड़ना है, किस किस को रखना है, तटीय स्तंभ को छोड़ना है, द्वितीय पंक्ति को छोड़ना है, देखिए यहाँ पे मैं तीन दो चार एक, तीन दो चार माइनस का एक, माइनस का यहाँ पे तीन, माइनस का तीन, माइनस का आठ, तो माइनस का कितना देखो दोस्तों ग्यारह, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बात दोस्तों आगे वाले के लिए, चार का, चार यहाँ पे ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम स्तंभ, प्रथम स्तंभ और तृतीय पंक्ति को छोड़ना है, यहाँ पे दो एक माइनस पांच और पांच, ठीक है, दस माइनस माइनस दस माइनस माइनस प्लस पंद्रह हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों ए थ्री टू की, ए तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति और द्वितीय स्तंभ, ठीक है, माइनस ए की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे माइनस के ए की बात हो रही है, और माइनस ए की बात इस प्रकार से रहेगी यहाँ पे, देखो माइनस ए की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ बात, देखो कि माइनस एक दट यहाँ इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो तीन तीन एक, फिर बाद में यहाँ पे इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो ये माइनस का तीन और माइनस का तीन और पांच, ठीक है, तो ये पांच ही पंद्रह, पांच ही पंद्रह माइनस माइनस प्लस यानी अठारह हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आएगा। अब मैं कह रहा हूँ सखंडस की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और सखंडस के लिए हमारे पास क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे सखंडस के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए टू टू का निकालना, यानी माइनस का पांच का निकालना, माइनस का वन का होल पावर आई प्लस जे दो प्लस दो ऐसा करते हैं। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, देखिए यहाँ पे तीन एक चार छ, ठीक, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पे माइनस माइनस एक की होल पावर चार रहेगा, देखिए यहाँ पे प्लस का एक हो जाएगा, यहाँ पे अठारह में से चार रहेगा, अठारह में से चार रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास चौदह हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। फिर बाद एम वन टू का उपसारणिक निकालना है, एम वन टू का उपसारणिक इस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो एम वन टू का उपसारणिक यहाँ पे, जब एम टू वन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि जस्ट इसको तो मैं सखंडस कह सकता हूँ, लेकिन यार एम वन टू आ गए तो यहाँ पे डायरेक्ट उपसारणिक लिखने की जरूरत ही नहीं होती यहाँ पे, इसको मैं डायरेक्ट हमें पता लग जाना चाहिए ये उपसारणिक, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा हमारे पास है, यहाँ पर भी सखंडस की ही बात हो रही, ठीक है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास की सखंडस निकालिए, ठीक है, तो थोड़ा सा देखना है यहाँ पे इसको, और यहाँ पे एम वन टू यानी कि वन टू का मतलब प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, ठीक है, जबकि यहाँ पे दो की बात हो रही है, ठीक है, तो इससे छूट के क्या रहा है दोस्तों यहाँ पे माइनस का तीन, देखो यहाँ पे ये छूट रहा है तीन और ये पांच, फिर बाद में यहाँ पे चार और चार और छह, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये माइनस का अठारह और फिर बाद माइनस का बीस, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का अड़तीस, फिर बाद इसी प्रकार ए थ्री थ्री की बात हो रही है इस छह की, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का वन की होल पावर तीन प्लस तीन, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि तीन दो माइनस तीन, तीन दो माइनस का तीन और माइनस का पांच, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा
प्लस का एक और यहाँ पर माइनस का 15, तो माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस 7 नहीं प्लस 6, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास क्या रह जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 माइनस का 9, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसका जो वैल्यूज है दोस्तों निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों, या फिर आज के सेशन में दोस्तों इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर यहाँ पे हम नई बातें करेंगे, ठीक है, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्लास रोकना पड़ रहा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है, तो आज का संदेश इस प्रकार से दोस्तों, देख लेना है, पढ़ लेना है और समझना भी है, ठीक है, कि जैसे कि मैं रोज संदेश तो अपलोड करता ही हूँ या फिर मैं क्लास में आते ही कहता था हूँ बताता था हूँ, लेकिन आप अगर उसका सही ढंग से मनन, वैसे तो आज के जनरेशन में दोस्तों व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी चल रही है उसके अंदर बहुत सारे संदेश आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कहीं से की कहीं भी बातों पर अगर आपका गौर होता है तो फिर या फिर मनन होता है तो दैट्स इफेक्टिवली, ठीक है, यानी कि आपको उस पर अप्लाई भी करना है या फिर उसको अपने जीवन में भी उतारना है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आगे वाले सेशन में, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड शेयर सब्सक्राइब, ठीक है।